शांति आज 23 अप्रैल 2023 है आज की बाबा की अव्यक्त मुरली जो हम सभी ने सुनी है बाबा ने उसमें हमें जो जो कार्य दिया है, हमसे आश रखी है वो है बाबा के स्नेह का रिटर्न देना अर्थात स्वयं को टर्न करना जिसमें आज बाबा ने मुरली के अंदर स्पष्ट कहा कि बॉडी कॉन्शियसनेस के इस मै को हमें खत्म करना है व्यर्थ के कारण जो बहुत तेज हम रचना रच देते हैं संकल्पों की कई बार बोल भी हो जाते हैं कई बार कर्मों में भी आ जाता है उसको मिटाने में भी बहुत समय लगता है उसको खत्म करके ए वन संकल्प में अपने आप को परिवर्तन करना है इसी प्रकार से बहुत सारी बातें आज बाबा ने हमें धारणा की और परिवर्तन की मुरली में सुनाई है तो ऐसी ही कुछ बात बाबा आज हमें अव्यक्त इशारों में भी कह रहे हैं जो बाबा से ही अभी हम उनके इशारों के द्वारा ही सुनेंगे संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम और दृष्टा बनो अपने देह से भी उपराम अपनी बुद्धि से उपराम, मेरे संस्कार हैं इस मेरे पन से भी उपराम मैं यह समझती हूं इस मैं पन से भी उपराम तो मैं शरीर हूँ एक तो यह छोड़ना है दूसरा मैं समझती हूँ मैं ज्ञानी आत्मा हूँ मैं बुद्धिमान हूँ यह मैंपन मिटाना है जहाँ मैं शब्द आता है वहाँ बाप दादा याद आए जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए ऐसे ही साक्षी दृष्टा भी बनना है तब ही संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे आज संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए बाबा ने मैंपन को मिटाने के लिए कहा इस मैंपन से उपराम रहने के लिए कहा और इसी का रिजल्ट है साक्षी बनना मैंपन किस किस भाव से बाबा ने आज हमें बताया एक तो हो गया मैं शरीर जो हमको पहले दिन ही पता चल चुका था कि मैं नहीं हूँ मैं शरीर नहीं शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूं लेकिन इतना जानना और इतना अभ्यास करना ही काफी नहीं है क्योंकि इस समय मैं आत्मा भी कैसी हूँ अगर देखा जाए तो वर्तमान में तो मैं आत्मा तमो प्रधान हूँ तो क्या मैं वास्तव में तमो प्रधान आत्मा हूँ नहीं तो अपने आत्मा की स्थिति से भी हमें मैंपन को हटाना है इस समय तमो प्रधान आत्मा जो सोचती है वो मेरी सोच नहीं है मुझे तो बाबा ने सोचने का तरीका बताया है इस समय तमोप्रधान बुद्धि जो सोचकर निर्णय कर रही है वो निर्णय मेरा नहीं है मुझे तो बाबा ने अपनी मत से भी ऊपर उठ करके उससे भी उपराम उठ करके श्री मत दी है जिससे मुझे धारण करना है इस समय जो मेरे कर्म है वही कर्म राइट है तो वो तो तमोप्रधान आत्मा के सोच से डिसीजन से और संस्कारों से किए गए कर्म है जब मैं हूं ही नहीं तम प्रधान आत्मा तो मेरे वो कर्म राइट हैं, ये मैंपन भी हमें समाप्त करना है बाबा ने जो कर्म हमें करके सिखलाए और जो दैवी कर्म होंगे उन कर्मों को मुझे धारण करना है इसलिए मैं शरीर नहीं हूं ये मैंपन से तो उपराम हो गए लेकिन सूक्ष्म मैंपन मैं आत्मा भी इस समय जो कह रही हूँ जो सोच रही हूँ जो मेरा डिसीजन है वो सही है इससे भी हमें परिवर्तन करना है इसको भी हमें टर्न करना है तभी हम बाबा के स्नेह का बाबा की शिक्षाओं का सच्चा रिटर्न दे सकेंगे ओम शांति